Assalamualaikum students, class 4 subject Islamiyat lecture 11. Our class lecture 11 में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 है आज का मखलूक के काम आना. ठीक है, हमारा अनुमान है आज का मखलूक के काम आना. सारे मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह ताला को वो इंसान प्यारा है जो इसकी मखलूक के साथ भलाई करे. इसलिए इस्लाम ने दूसरों के काम आने पर बड़ा जोर दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, रास्ते चलते हुए को रास्ता बताना. ठीक है, राह चलते हुए को रास्ता बताना. और भी बहुत सारे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कामों की तरगीब दी है और बहुत से कामों के करने पर सवाब बताया है. ठीक है, ये पेज नंबर है 125 पे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्ने सलूक का हुक्म दिया. ठीक है, और इस अमल को भी पसंदीदा अमल करार दिया क्योंकि इसका मकसद ये होना चाहिए कि इनमें इस्लाम की रुगबत पैदा हो जाए, वो मुसलमान होकर हमारे दीनी भाई बन जाए. और जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं जिनसे पता चलता है कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए. मसलन, इनको पानी पिलाना, इनकी देखभाल करना, इन्हें चारा खिलाने वाले को सवाब मिलेगा. ठीक है, ये आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला हो. इसलिए हमें हर किसी के साथ उसने सलूक करना चाहिए, हत्ता कि कोई जानवर भी हो तो उसके साथ भी हमें अच्छा सलूक करना है. क्योंकि जानवर पर जुल्म करना और उस पर बेरहमी का मामला करना अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, तो हमने इस चीज़ से बचना है. ठीक है, अब आप पेज नंबर ओपन करें 128. पेज नंबर 128 पे है सवाल नंबर 1. अच्छे और बुरे कामों को मिलाकर लिख दिया गया है, आप इन्हें अलग अलग कालमों में लिखें. अच्छे काम मैंने इधर लिखती हैं, ये देखें इधर बोर्ड पर. किसी को पढ़ना लिखना सिखाना, यतीम की कफालत करना, मस्किनों की मदद करना, जानवरों परिंदों के लिए पानी रखना, और कमज़ोर निगाह वाले को रास्ता दिखाना और बीमारों की आयादत करना, ये है अच्छे काम. अब बाकी इधर जो लिखे हुए बुरे काम वो आपने दूसरे कॉलम में लिख लेने हैं, ये भी आपके होमवर्क में है. ठीक है, अच्छे काम मैंने लिख दिए हैं, बुरे काम आपने लिखने हैं और उनसे बचना है. अब आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 129 पर सवाल नंबर 2 है, मंदरजा ज़ैल सवाल के जवाब लिखें. दूसरों के काम आने के चंद अच्छे काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है वो लिखें. प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाने से, और राह चलते हुए को रास्ता बताने से अल्लाह ताला खुश होते हैं. ठीक है, ये चंद मैंने काम लिखे हैं अच्छे जिनसे अल्लाह ताला खुश हो जाता है. सेकंड, दूसरों की मदद करने के बारे में क्या हदीस है इसका, ये है, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना सदका है, किसी भूले हुए को रास्ता बताना सदका है, कमज़ोर निगाह को वाले को रास्ता दिखाना सदका है, पत्थर कांटा हड्डी वगैरह का रास्ते से हटा देना भी सदका है, और तुम्हारा अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना सदका है, यह हदीस है. अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में किसके करीब होगा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा. ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह करीब होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और बीच की उंगली से इरशाद फरमाया, इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी कुशादगी थी, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो जन्नत में इस तरह से वो करीब होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेवा और मस्कीन की मदद करने वाले को कैसा सवाब मिलता है. ये इसका जवाब है, ऐसा सवाब मिलता है कि गोया वो दिन को रोज़ा रखता हो और रात भर इबादत करता हो, इतना सवाब मिलता है बेवा और मस्कीन की मदद करने वाले को. अब देखें, अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, सबक में दिए गए या इसके अलावा नेक कामों में से जो आपने किए हैं या आपने करने का इरादा किया है वो आपने लिखने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बीमारों की आयादत करूँगा, मैं मासी की बेटी को लिखना पढ़ना सिखाऊँगी, मैं सदका करूँगा या मस्किन को खाना खिलाऊँगा, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करूँगा, इस तरह के जो लाइन्स इधर दी गई है ये आपने इसको करना है. ठीक है,
यहाँ पर आपने जो इरादा किया है वो आपने इन तरह अच्छे काम लिखने हैं, ठीक है, और इन पर अमल भी करना है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। इस्लाम में दूसरों की मदद करने और इनकी तकलीफ दूर करने को क्या करार दिया गया है? इबादत करार दिया गया है, ठीक है। इस्लाम में दूसरों की मदद करने और इनकी तकलीफ दूर करने को इबादत करार दिया गया है। गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक इस्लाम को पसंद है? अच्छा सलूक इस्लाम को पसंद है, ताकि वो अच्छे सलूक की वजह से हमारे दीनी भाई बन जाएं। जानवरों पर जुल्म करना कैसा है? अल्लाह को नाराज़ करने वाला और जहन में ले जाने वाला अमल है, ठीक है। तो हमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, उनको पानी देना है। तो नेक्स्ट आप देखें, सवाल नंबर 5 है, जेल में दिए गए खाली खानों में नेक काम लिखें। ये इधर खाली खाने दिए गए, यतीम की कफालत करना, सदका करना, बीमार की आयादत करना, मस्कीन को खाना खिलाना और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना। अब फोर्थ क्लास मैंने 11 लेक्चर में आपको मखलूक के काम आने के कुछ इसमें पॉइंट्स बताए हैं। बेटा आपने सिर्फ लिखना नहीं है या पढ़ना नहीं है, इसको इस पर अमल भी करना है, ठीक है। ये आपको जो मैं करवा रही हूँ इसमें, वो आपने उस पर अमल करना है, तो इसी में हमारी कामयाबी है। फोर्थ क्लास आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है, फिर इसका काम लिखना भी है और उसको याद करके उस पर अमल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।